रामगढ़ में हुई सर्व समाज की महापंचायत, सुखवंत सिंह भाजपा प्रत्याशी बनाने का विरोध, तीसरे मोर्चे की तैयारी, जय आहूजा की टिकट कटने पर भावुक हुई समर्थक, सुखवंत सिंह का जताया विरोध। जी हाँ, पांचों मंडलों के मंडल अध्यक्षों ने कार्यकारिणी सहित इस्तीफा देने के लिए निर्णय लिया। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा ने शनिवार को 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। रामगढ़ विधानसभा से भाजपा से प्रत्याशी के रूप में सुखवंत सिंह को एक बार दोबारा से भाजपा ने मौका दिया, लेकिन शनिवार को सुखवंत को टिकट मिलते ही बगावत होना शुरू हो गई। भाजपा से पूर्व प्रत्याशी व भाजपा के दावेदार जय आहूजा के समर्थन में सर्व समाज के लोगों ने रविवार को महापंचायत की, जिसमें भाजपा के पांचों मंडलों के मंडल अध्यक्ष सहित बूथ लेवल के कार्यकारिणी के सदस्य भी भारी संख्या में मौजूद रहे। जय आहूजा को टिकट नहीं मिलने पर समर्थक भावुक होकर रोने लगे। सर्व समाज के लोगों ने सुखवंत को टिकट मिलने का विरोध जताया और मंगलवार को बड़ी महापंचायत करने का निर्णय लिया। महापंचायत के निर्णय पर ही ये निर्धारित किया जाएगा कि जय आहूजा निर्दलीय पार्टी से टिकट लड़ते हैं या नहीं। लेकिन महापंचायत में सभी लोगों का एक ही निर्णय सामने देखने को मिला कि भाजपा के प्रत्याशी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना ही होगा। महापंचायत में लोगों का कहना है कि सुखवंत सिंह ने पूर्व चुनाव में आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़कर भाजपा के प्रत्याशी जय आहूजा को हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पार्टी से बगावत की थी, लेकिन पार्टी ने ही उन्हें फिर टिकट दिया है, ये गलत निर्णय है। देखिए खास रिपोर्ट। सिर्फ अब इतना सा है, दो तीन बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं हर जगह कहता हूँ, हमारे यहाँ पे तीन समाजों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और हर प्रकार की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। उसमें एक हमारे SC के लोग हैं, एक हमारे राय सिख समाज के लोग हैं और एक हमारे ओड राजपूत समाज के लोग हैं। मैं जहां भी गया मैंने हमेशा गांव में लोगों को आज जो मीटिंग हुई है किस पर्पज पे हुई और क्या निर्णय लिया गया? भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ में आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े सुखवंत सिंह को टिकट दिया है। उनके चुनाव में बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया, बहुत झूठ बोला गया, पार्टी के नेताओं के प्रति अपशब्द बोले गए, पार्टी के झंडे जलाए गए, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीरें फाड़ी गई। ऐसे लोग जो पार्टी को धोखा देते हैं, पार्टी उनको रिवार्ड देती है, ये उचित नहीं है। पिछले 10-11 महीने के कार्यकाल में मैंने न दिन देखा न रात, में 2400 घंटे लोगों के बीच में रहा, काम करता रहा। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मेरे वोट कम आए तो मैं आपके काम नहीं करूंगा। और मेवात में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से बखूबी मुकाबला करते हुए मैंने काम किया। उसी का नतीजा है कि आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सातों जात के लोग आपको मौजूद मिल रहे हैं। इन सब से आज सबके आग्रह पे या सबके आदेश पे एक मेरे पास बहुत फोन आ रहे थे, तो कल मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली। इतने छोटी समय की सूचना पे, शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। परसों हम एक और बड़ी महापंचायत करेंगे और उस महापंचायत में यदि जनता जनार्दन का, हमारे पांचों मंडल अध्यक्षों ने आज इस्तीफा दिया है उनका, कई जनप्रतिनिधियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है उनका, उन सब लोगों का जो निर्णय होगा वो सिर माथे होगा। मुझे या जिसको भी चुनाव लड़ाने के लिए कहेंगे हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और इस प्रकार की जो रीति नीतियां हैं उन रीति नीतियों के विरोध में हम चुनाव लड़ेंगे।